दिल्ली में चल रहे रामलीला का मंचन अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है। रामलीला मंचन की प्रस्तुति जहां एक ओर अपने अलौकिक दृश्य की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों में भी इसको लेकर उत्सुकता साफ देखते ही बन रही है। शायद इसी का परिणाम रहा कि दिल्ली के बेगमपुर इलाके में आयोजित रामलीला के इस नाट्य मंचन में बवाना विधानसभा से आप विधायक जय भगवान उपकार भी पहुंचे। आप विधायक जय भगवान उपकार ने इस दौरान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। जगह जगह रामलीलाएं हो रही हैं और मैं जहां पर भी जा रहा हूं कि लगातार जो राम भक्त है, जो प्रभु श्री राम के भक्त है, उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अभी क्योंकि यहाँ पर बवाना के अंदर रामलीलाएं धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी बताया था आपके सामने कि इस रामलीला के अंदर भी पिछले 3 साल के मुकाबले बहुत बड़ी तादाद में भीड़ है और बहुत बड़ा विस्तार किया गया। इसी प्रकार से मेरे इलाके में कई जगह रामलीलाएं हो रही है और लगातार राम भक्तों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है और जो राम की जो लीला है वो हमें संदेश देती है कि ईश्वर जो है हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और प्रभु श्री राम ने हमेशा लोगों के लिए काम किया है क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, तो हमें भी लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ क्योंकि प्रभु की कृपा तो हमेशा बनी रही है और रहेगी और आपको जनता के आशीर्वाद की जरूरत है और जनता का आशीर्वाद भी मिलेगा क्योंकि लगातार पिछले 5 सालों से मैंने मेहनत की है, प्रयास किया है और जो भी फल मिलेगा बिल्कुल मेरे सामने होगा क्योंकि मुझे मैं फल की इच्छा रखता नहीं हूँ। दरअसल आपको बता दें कि बेगमपुर में आयोजित होने वाले रामलीला के मंचन के 9वें दिन बड़ी संख्या में आसपास के स्थानीय लोग पहुंचे। रामलीला के कई दृश्यों को लोगों ने देखा। रामलीला के 9वें दिन श्री राम से जुड़े जीवन चरित्र के अलावा रावण के चरित्र को भी नाट्य रूपांतरण के माध्यम से पेश किया गया। इस मंचन के दौरान कई हास्य दृश्य भी प्रस्तुत किए जो लोगों को भी खूब पसंद आए। इस मौके पर आयोजकों ने बताया कि किस तरह से कमेटी के सभी सदस्य एकजुट होकर इस रामलीला मंचन की तैयारियों में जुटे रहते हैं। साथ ही कमेटी के पदाधिकारियों ने इस दौरान लोगों के सुरक्षा व्यवस्था का भी खास तौर पर जिक्र किया। त्यागी पब्लिक का तो हमारे पास संपूर्ण सहयोग होता है। हमारी यह कमेटी नहीं है, यह हमारी पब्लिक और हम सब मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं। हम पब्लिक को कमेटी से अलग नहीं मानते। हम एक कॉलोनी का अपना प्रोग्राम है, एक कमेटी का प्रोग्राम नहीं है। और जितने सहयोगी हमारे MLA साहब हैं और हमारे काउंसिलर साहब हैं और हमारे नेतागण साहब हमारे सहयोग करते हैं, संपूर्ण सहयोग करते हैं और उनके सहयोग से आज 21वां प्रोग्राम हम कर रहे हैं जो कि आज तक एक बड़ा शांतिपूर्वक है। अतिथि के रूप में सभी आते हैं, काउंसिलर साहब भी आए हैं, MLA साहब भी आए हैं और जो भूतपूर्व एमपी जगह भी आए हैं, तो काफी काउंसलर भी हमारे प्रोग्राम आते हैं, जो भूतपूर्व काउंसलर आए थे वे भी हमारे प्रोग्राम आते हैं। हमारे मार्गदर्शक जय भगवान मास्टर जी और बलदेव गुरवाला जी हैं और हमारे जो विधायक जी हैं हमारे मुख्य अतिथि हैं, MP साहब हमारे मुख्य अतिथि थे, वे आज पहुंच नहीं पाए, आने थे कल, वो किसी कारण वजह से रुके। हमारे जो भूतपूर्व MP साहब थे वो भी हमारे प्रोग्राम आए थे। हमें 21वीं साल हो गई रामलीला करते हुए, हमें ऑटोमेटिक ऊर्जा मिलती है प्रभु राम के नाम से और ये यहाँ पर सारी व्यवस्था अपने आप बनती जाती है। केवल हम संकल्प लेते हैं हमें रामलीला का आयोजन करना है, तो रामलीला का आयोजन दिल में सोचते ही हमारा सारे काम बनते जाते हैं। सारी NOC हर जगह की NOC मिल जाती है, हर जगह से परमिशन मिलती है, तो ये सारे काम ऑटोमेटिक भगवान प्रभु के नाम से हुआ। जब शासन और प्रशासन का जो सहयोग मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है, भागदौड़ बहुत कराते हैं। राम जी की रामलीला के पीछे इतनी सारी भागदौड़ कराते हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटते उसमें ऐसे भी। उनको हमारा सहयोग देना चाहिए, जो निस्वार्थ हम लोग रामलीला का आयोजन करते हैं तो उनको भागदौड़ में हमारा सहयोग देना चाहिए, सारे काम हमारे साथ के साथ करने चाहिए।